साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए क्वेश्चन करते हैं और मैं उसका आंसर देता हूं। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, डी फार्मा, बी फार्मा या मेडिसिन से रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा। साथियों, कभी कभी कुछ क्वेश्चन की जो है मैं वीडियो भी बनाता हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने हमसे क्वेश्चन किया कि सर, मैं डी फार्मा स्टूडेंट हूँ, सर मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, क्या आपसे हॉस्पिटल ट्रेनिंग ले सकते हैं? कहने का मतलब है, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट एक उत्तर प्रदेश मतलब स्टेट का जो है डिस्ट्रिक्ट है, और मेरा जो हॉस्पिटल है वो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है वहाँ पे है, नियर अबाउट 1.5 मतलब 150 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, मुझे आइडिया नहीं है, बट 100 किलोमीटर से मतलब 150 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस है। साथियों, मैं ये कहूँगा कि आप स्टेट में कहीं से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं हॉस्पिटल की, जैसे सुल्तानपुर में है, सुल्तानपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कर सकते हैं, महिला चिकित्सालय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कर सकते हैं, CSC है, PSC है, 100 बेड है, संयुक्त चिकित्सालय है, सभी जगह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टे का व्यवस्था है, स्टे का जैसे होता है कि अब मैं कैसे कह दूँ कि आप हमारे पास आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था अगर आपकी है, या आपका कोई रिलेटिव रहता है, या भाई रहता है, या कोई मतलब क्लोज है, या सिस्टर रहती है, इस तरह से अगर आपको फैसिलिटी है, सुविधा है एकोमोडेशन की लखनऊ में, तो आप हमारे यहाँ से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में समय से आना, समय से जाना पड़ेगा। मैं ट्रेनिंग में विधिवत हर चीज़ सिखाता हूँ। सपोज दैट कोई 3 मंथ की जो डी फार्मा की ट्रेनिंग होती है, हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होती है, उसमें क्या क्या मतलब दवा का रखरखाव, दवा का वितरण और दवा का डिस्ट्रीब्यूशन, और दवा जो है मरीज को देना, उसकी डोज तक की बताने का काम फार्मासिस्ट का है, तो मैं उसको विधिवत करता हूँ। जो भी विद्यार्थी आते हैं, मैं उनको जो है सभी कुछ सिखाता हूँ। साथियों, होता क्या है कि मेन OPD में हर तरह के डॉक्टर बैठते हैं, फिजिशियन हैं, गायनकोलॉजिस्ट हैं, स्किन के हैं, डेंटल हैं, पीडियाट्रिक हैं, और जो है साथियों न्यूरोसाइकेट्रिक के हैं, सर्जन हैं, और आई स्पेशलिस्ट हैं, सभी कुछ, सभी लोग जो है क्या करते हैं, इनडोर फार्मेसी, जहाँ पर फ्री दवा मिलती है सरकार के द्वारा, और उसमें जो है दवा देने का, रखरखाव का, वितरण का, वो फार्मासिस्ट का काम होता है। तो उसमें विद्यार्थी को हम विधिवत सिखाते हैं, अगर कोई पर्चा आता है उसमें दवा क्यों लिखी है, क्या दिक्कत हो सकती है, और डोज कैसे देना है, मरीज को बताते हैं कि ये 1 BD है लिखा है, तो एक सुबह और शाम, 1 TDS है एक सुबह दोपहर रात को, और 1 OD है तो दिन में एक बार, इस तरह से बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसमें हम सिखवाते हैं। उसी के साथ साथ क्या है, इंजेक्शन लगाने का काम फार्मासिस्ट का है, इसीलिए साथियों हर अस्पताल में एक इंजेक्शन रूम होता है, और इंजेक्शन रूम लगाने का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से कौन सा इंजेक्शन लगेगा, जैसे डाइक्लोफेनिक है IM ही लगेगा, IV नहीं लग सकता है, सिर्फ IM ही लगता है, इंट्रा मस्कुलर। तो कहने का मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और हाई मनी टाइप्स ऑफ द इंजेक्शन इन इंजेक्शन रूम, जैसे रैबिस होता है, कुत्ता काट लेता है उसको कैसे लगना है, टिटनस है, प्रेग्नेंट महिला है उसको कैसे लगना है, सभी कुछ हम सिखाते हैं। उसके साथ हमारा एक ड्रेसिंग रूम है, जहाँ पे पट्टी मरहम कह सकते हैं कि ड्रेसिंग कैसे होती है, वो सब हम सिखाते हैं। और इमरजेंसी सेवाएं 3 शिफ्टों में चलती है, सुबह की शिफ्ट होती है 8 से 2 बजे तक मॉर्निंग, आफ्टरनून की शिफ्ट 2 to 8 PM 2 से लेकर रात 8 बजे तक, और रात की शिफ्ट 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। साथियों, तीनों शिफ्ट में क्या होता है कि एक अफसर होता है मेडिकल अफसर MO, और उसके साथ में जो एक फार्मासिस्ट होता है, पास में चेयर होती है, तो मरीज आता है उसकी एंट्री फार्मासिस्ट करता है अपने रजिस्टर पे, और खट से प्रिस्क्रिप्शन का जो है पर्चा बना के देता है, डॉक्टर उस पर रिकमेंड करते हैं, मेडिसिंस प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। इमरजेंसी केसेस हैं, जैसे हैंगिंग का केस आ जाएगा, जहर किसी ने खा लिया, स्नैक बाइट हो गया, एक्सीडेंटल केस हो गया, सडन अस्थमा है किसी को, सांस ज़्यादा फूल रही है, तो उसमें विद्यार्थी को हम सिखाते हैं कि जो है ऑक्सीजन कैसे लगानी है, उसका जो है SpO2 कैसे चेक करना है, और स्टेथोस्कोप लगा के क्या हम चेक करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर कैसे जो है देखते हैं, और जो है क्या होता है कि मतलब ऑक्सीजन उसको कैसे देते हैं, तो उस तरह से सारी चीज़ें हम जो है सिखाते हैं। उसके बाद जो है मरीज भर्ती हुआ है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट देने का काम हमारा है, जैसे वीगो IV सेट लगा के क्या उसको ड्रिप चढ़नी है, क्या सलाइन लगना है, NS लगना है, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे उसकी नर्सिंग केयर में जो है नर्सेस केयर करती है। तो यहाँ से जो है क्या होता है कि सारा कुछ हम सिखाते हैं। तो साथियों, आप कहीं से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं,
और ट्रेनिंग का फॉर्म कंप्लीट होकर आप PCI में जब उसको सबमिट करेंगे ऑल डॉक्यूमेंट के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो साथियों मैं यही विद्यार्थी से कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे स्टे है आप ट्रेनिंग हमारे हाथ साथ कर सकते हैं। हमारे यहाँ साथियों ट्रेनिंग में क्या होता है कि साथियों जो भी डी फार्मा बी फार्मा के बच्चे आते हैं हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने मैं उनका जो है ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों जो भी विद्यार्थी आता है और जैसे ही आता है जो भी होता है हम अगर हमारे पास सीट खाली है हम तुरंत उसका जो है सिलेक्शन कर देते हैं। साथियों हमारे पास लिमिटेड सीट होती हैं 14+1 डी फार्मा में है और बी फार्मा में हम कितने भी रख सकते हैं। बी फार्मा 45 डेज और 30 डेज की ट्रेनिंग होती है। साथियों अगर आपको ऐसा कुछ लगता है किसी तरह की क्वेरी है हॉस्पिटल ट्रेनिंग से रिलेटेड या जो है किसी तरह की वो आपको जानकारी लेना है तो आप हमें जो है ज़रूर जो है बताएं। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।